कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे और बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हो, सबसे पहले बोल दूं, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में वीडियो को शेयर भी करना और वीडियो को लाइक भी जरूर करना। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खान सर के बारे में। मैंने पिछले लगभग एक दिन पहले मैं वीडियोस देख रहा था यूट्यूब पे, यूट्यूब के होम पेज को स्क्रॉल कर रहा था, नीचे जा ही रहा था कि एक जगह मैंने एक वीडियोस देखी जिस पे लिखा था खान सर का पर्दाफाश, और बहुत सारी बातें उल्टी सीधी लिखी थी कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये वैसे हैं, ये ऐसे हैं। खुलासा, इनका असली रूप, इनका जो है ये मुस्लिम समुदाय से तो है तो इनका अलग का रूप, तो सारी बातें मैंने देखी, वीडियो सुनी। तो दोस्तों, एक चीज में बुराई ना हो तो उसमें बुराई निकालना कितनी बड़ी बुराई है उसके अंदर फिर, यानी कि जिस चीज में बुराई ना हो उसमें बुराई निकाल रहे हो, आप क्यों निकाल रहे हो? बंदा इतना गजब का टीचर है, इतने गजब के टीचर हैं कि कमाल के, वो हर चीज को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस तरह से बता सकते हैं कि एक पूरे पैराग्राफ को वो दो लाइन में समेट कर आपको बता सकते हैं, और पूरे पैराग्राफ में जो लिखा होगा, जो निष्कर्ष, जो कंक्लूजन, यानी कि जो इस पैराग्राफ में रिजल्ट आंसर होगा, वो उन दो लाइन में समझा सकते हैं कि इन पूरे पैराग्राफ का निकाल करके ये दो लाइनें बनती हैं और ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इसको रखो पास। तो ऐसे टीचर की बुराई करना, और जिसके मिलियन में फॉलोवर्स, मिलियन में लाइक, देखिए आजकल यूट्यूब पे सिर्फ दो ही बंदे ट्रेंड कर रहे हैं टीचिंग के मामले में, एक ए टू मोटिवेशन और दूसरे खान सर। इतनी अच्छी वीडियोस देते हैं, ये सारी डाटा, सारी चीजों को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि आपके दिमाग में बैठता ही जाता है, यानी कि इनकी 33 मिनट की या 40 मिनट की वीडियोस भी देखो आप तो बोर नहीं होते। जबकि वहां पर एक गाना ही ले लीजिए, कोई भाई आता, अगर आपको गाना लगता है, अगर वो 4 मिनट का सॉन्ग है, अगर आपको सही नहीं लगता हो तो 4 मिनट का सॉन्ग 40 मिनट का लगने लगता है। लेकिन जब मैं इनकी वीडियोस वगैरह देखता हूँ, जब भी नई वीडियोस अपलोड होती है किसी भी मुद्दे को लेकर, चाहे देश के मुद्दे पर, मानचित्र से विशेषज्ञ हो, या फिर किसी भी मुद्दे पर इनकी वीडियोस आए, तो मैं उस पर जरूर देखता हूँ। और दूसरी सबसे अच्छी बात क्या लगती है मुझे इनकी, सबसे अच्छी बात जो लगती है इनकी अपनी लैंग्वेज, यानी कि एक तो वो होता है कि समय के साथ बदल जाना, किसी पे कोई इतना फेमस हो या शोहरत या कुछ भी ऐसा मिल जाता है तो वो समय के साथ अपने आप में बदलाव कर लेता है कि भाई मैं यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया तो मुझे टाइम के साथ बदलना चाहिए। लेकिन उनकी लैंग्वेज जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, और इसीलिए इनकी वीडियोस देखता, कि लैंग्वेज के ससुरा और इतनी, मतलब अपने आप में जो बचपन से सीखा है ना, वो समेट कर सारा कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं, आपको बताते हैं, आपको अच्छी अच्छी वीडियोस, आपको अच्छे अच्छे टॉपिक और टीचिंग के मामले में सभी कुछ आपको बताते हैं। यानी कि इनके जो कोचिंग सेंटर में बच्चे इतनी तादाद में आते हैं कि आपको क्या बताया जाए, इतनी तादाद में आते हैं कि क्लासेस में ओवरलोड हो जाता है, और इनकी वजह से पता नहीं कितने लोग जो हैं यूट्यूब पे फेमस वायरल हैं, जो कि इनकी क्लासेस की मैं वीडियोस रिकॉर्ड करके डालती हैं, और इनके नाम से तो चैनल यूट्यूब पर काफी है, खान सर टॉपिक्स, खान सर ये, खान सर वो, खान सर वो। तो इतने अच्छे टीचर के बारे में जो हर चीज को आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, यानी कि ऐसे टाइम में भी हर चीज को बताए। देखिए, किसी चीज को सामने से देखने से बेहतर है, या कोई चीज हमें मिल रही है, यानी कि किसी चीज को हमें जानना, किसी चीज को हमें किसी के बारे में जानकारी हासिल करना है, अगर वो ही हमें YouTube पर मिल जाए, कैसे सोशल मीडिया पर मिल जाए, और ऐसे भाषा में जो हमारी खुद की भाषा हो उसमें मिल जाए, और एक सरल तरीके से, यानी कि इंग्लिश में जो वर्ड्स इंग्लिश में जो आते हैं वो भी हमें हिंदी में बता देते हैं, यानी कि सारा कुछ आपको एक सरल भाषा में आपको प्रोवाइड करती है, अच्छी से अच्छी चीज आपको देते हैं, फिजूल का कुछ नहीं देते, चाहे लैंग्वेज हो, टीचिंग हो, किसी भी मामले में आपको एक अच्छी चीज को प्रोवाइड कराते हैं। तो मेरा तो ये मानना कि ऐसे टीचर को मैं, ऐसे टीचर ही मिलना मुश्किल है, यानी कि जो दौर पहले था, जो दौर आज है, आज के दौर में ऐसा महान टीचर मिलना बहुत ही मुश्किल है, यानी कि वो बंदा हर कुछ, उनसे हर वीडियो में नया कुछ सीखने को मिलता है, कुछ एनर्जी मिलती है, कुछ मोटिवेट होते हैं लोग, और देखते हैं कि गरीबी में भी, इससे भी निकलकर एक अच्छा मुकाम पाया जा सकता है,
और एक अच्छे लेवल पर आ सकते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेहनत से। जब बंदा इतनी मेहनत से अपनी आगे पहुंचा है, इतना उसने कठिन परिश्रम करा, उसका फल आज मिल रहा है, और ऐसे ऐसी चीजों का आपको बताया जाता है, तो इसके बारे में बुराई निकालना आपके लिए बहुत बड़ी गलती है। यानी कि कोई अच्छा कर रहा है तो उसकी बुराई को ना ढूंढ करके खुद की बुराई देखें तो शायद वो बेहतर होगा, कुछ अच्छा शायद हमको मिल जाए। तो मेरा तो मानना है जो लोग हेट करते हैं, जो उन्हें डिसलाइक करते हैं, अनलाइक करते हैं, उनसे भी यही है कि आप इनकी वीडियोस अगर देखोगे तो इनके प्रति आपका भी जो है मन बदल जाएगा, और एक अच्छी नजर और अच्छे स्वभाव से आप देखोगे। यानी कि एक टीचर जो होता है एक ऐसा मार्गदर्शन लेके जाता है कि इससे भविष्य बदल जाता है, चाहे छोटी सी चीज के लेकर बड़ी से बड़ी। यानी वो खुद उसी जगह पर स्थिर रह करके तुम्हें एक ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है कि आप जो आप ख्वाब देखते हो, जो आप सोचते हो, जो आप समझ नहीं पाते हो, वहीं तक पहुंचा देता है। तो ऐसे टीचर में कमियां निकालना बंद करें और खुद में खुद से कुछ सीखें, और बुक्स पढ़ें और उनके वीडियोस को देखें ज्यादातर से ज्यादा, और कुछ ना कुछ इनकी वीडियो ना भी देखें तो कुछ अच्छा सीखें। किसी में बुराई निकालने से पहले खुद को भी देखें कि हम में कितनी बुराई है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।